वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे पीछे के बैकग्राउंड को देख के आपको पता तो चल ही गया होगा कि आज का जो वीडियो है वो किस टॉपिक पे होने वाला है। जिनका मात्र नाम स्मरण करने से ही तन और मन के कष्ट दूर हो जाते हैं, ऐसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन को हम आज आए हैं। आप यहां कैसे आ सकते हो, कहां पे रुक सकते हो और यहां पे घूमने की जगहों के बारे में बताऊंगा मैं इस वीडियो में, तो अंत तक जुड़े रहिए मेरे वीडियो के साथ। और हां, अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए मेरी चैनल देवानी मुकेश को, और पास ही में पड़ा बेल आइकन उसे भी पुश कर दीजिए ताकि आपको मिलती रहे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन वो भी सबसे पहले। सोमनाथ से अहमदाबाद की दूरी है 395 किलोमीटर। आप अगर आना चाहते हैं ट्रेन से तो अहमदाबाद से आपको सोमनाथ के लिए ट्रेन मिल जाएगी, जिसकी दूरी तय करने के लिए आपको लगेंगे 8 घंटे। हो सकता है आप जिस भी शहर से आ रहे हो तो आपको शायद सोमनाथ के लिए डायरेक्ट ट्रेन ना मिले, तो आप आ सकते हैं वेरावल, और वेरावल से सोमनाथ की दूरी है 7 किलोमीटर की, जो कि आप बाय ऑटो भी आ सकते हैं। आप अगर आना चाहते हैं बाय एयर तो सबसे नज़दीकी अड्डा है केशोद, जो कि है 45 किलोमीटर की दूरी पे, और ये दूरी तय करने में आपको लगेगा 1 घंटा। वीडियो की शुरुआत करेंगे सबसे पहले सोमनाथ जी के दर्शन करके। यहाँ पे होती है 3 टाइम आरती, सुबह 7 बजे, दोपहर को 12 बजे और शाम को 7 बजे। आपने अभी तक मेरी द्वारकाधीश टेम्पल की वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दे दी है, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। आपको अगर लेना है लाभ आरती का तो आपको यहां पे आरती से 1 घंटा पहले आना पड़ेगा, क्योंकि 1 घंटा पहले से ही ये होल भरना शुरू हो जाता है। अगर शाम के समय आप रुकने वाले हो तो यहाँ पे लेजर शो, जिसे 3D शो भी कहते हैं, जो हर शाम आरती के समय पे होता है, उसे भी आप देख सकते हैं। वैसे तो आपको सोमनाथ में रुकने के लिए बहुत सारे गेस्ट हाउस मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको प्रिफर करूंगा सागर दर्शन धाम, जो कि सोमनाथ ट्रस्ट का ही धाम है। उनका खाना तो एकदम लजीज है, साथों साथ उनकी एक खासियत ये भी है कि आप चाहे कोई भी रूम उनका बुक करवा लो, उनके सभी रूमों में से आपको दिखेंगे सोमनाथ दादा, और साथ में ही आप लुत्फ़ उठा सकते हैं सागर की लहरों का। सोमनाथ टेम्पल से थोड़ी ही दूर पे है यह राम मंदिर, ये भी एक देखने लायक स्थल है, आप अपना कीमती समय यहाँ पे व्यतीत कर सकते हैं। सोमनाथ टेम्पल से 1 किलोमीटर की दूरी पे है ये त्रिवेणी संगम।
गंगा और यमुना का संगम पवित्र संगम माना जाता है। इतना ही महत्व रखता है गुजरात का ये त्रिवेणी संगम, जहां पर मिलती है समंदर के साथ कपिला, हिरण्य और सरस्वती। दिसंबर महीने में अगर आप यहाँ पे आते हैं तो ये पक्षी आपको काफ़ी संख्या में दिखने मिल जाएंगे, जिन्हें सीकुल भी कहा जाता है। कुछ समय आप यहाँ पे बिता सकते हैं और इसे दाना पानी भी खिला सकते हैं। त्रिवेणी संगम से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है ये पांच पांडव गुफा, लिंगराजमा टेम्पल और सूर्य मंदिर। यह है हिंगड़ाज माँ का मंदिर। सुना है जब पांडवों को ज्ञातवास मिला था तब कुछ समय उन्होंने यहाँ पे बिताया था। અજ્ઞાતવાસ દરમિયાન જે પાંડવો છે અહીંયા એક વર્ષ માટે અહીંયા રહ્યા राजमा टेम्पल के बिल्कुल पास में ही है ये सिद्धनाथ महादेव जी का मंदिर। आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं और उसी के बगल में है ये पांच पांडवों की गुफा। वहीं से थोड़ी दूर पे है ये सूर्य मंदिर। दिन के 24 घंटे और साल के 365 दिन समंदर के जल से अभिषेक करता हुआ ये शिवलिंग, नाम है इसका बाणगंगा। आप भी यहाँ समंदर के जल से अभिषेक कर सकते हैं। यह है भालका तीर्थ। श्री कृष्ण भगवान जी को यहाँ पे मुक्ति मिली थी। एक शिकारी ने उनके पैर को मूर्ख समझकर उन पर तीर चला दिया था। यह प्रभा क्षेत्र की वो भूमि है जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान जी को मुक्ति मिली थी और यहीं से उन्होंने स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया था। वैसे तो यहाँ पे फोटोग्राफी अभी अलाउटेड है, आप यहाँ पे फोटोग्राफी कर सकते हैं। रिनोवेशन के बाद ये मंदिर अब और भी खूबसूरत लगने लगा है।